कीर्तना, ये क्या बना रही हो? रवा इडली बना रही हूँ। किसके लिए? सबके लिए माँ जी। ये देखो, इस घर में इस वक्त कोई भी खाना नहीं खाता है। आनंद भवन से 9 बजे खाना आता है, वही खाते हैं हम सब। ये देखो, तुम अपने घर में जैसे भी रहती हो, लेकिन इस घर में किसको क्या पसंद है ये सब तुम्हें पूछना होगा। क्या तुमने मुझे पूछा था? हे, हाँ? तुम इधर क्यों आई हो? क्यों, इजाजत लेनी पड़ेगी क्या? तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। उधर आओ, बताती हूँ। भाभी, क्या बना रही हो? रवा इडली। सुपर, सिस्टम को बदल डालो। आनंद भवन का खाना खा खा के तो मैं थक चुकी हूँ। श्रुति, क्या हुआ माँ? आओ इधर, बहू के सामने ऐसी बातें करोगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? समझती नहीं हो क्या? इसमें सोचना समझना क्या है, वो भी तो हमारे जैसी है। अपना मुंह बंद करो, ये सब मुझे भी समझ आता है। बहुत टॉर्चर कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है श्रुति, उम्र में बड़ी है ना वो, और घर में भी बड़ी है, सब कुछ पूछकर करना चाहिए, ऐसे कहा। और ठीक ही तो कहा उन्होंने, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। अपने घर में थोड़ा फ्री थी ना, मुझे बस आदत बदलनी होगी। जानती हूँ मुश्किल है, लेकिन बदलूंगी, कोशिश करूंगी मैं। लक्ष्मी, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। मामा के लिए पान पहले से बना के रखा है, बहुत बहुत थैंक्स। पान के लिए आए थे ना, अब खा लिया, अंदर अंदर कोई भी नहीं है, सब मंदिर गए ना। मंदिर के सामने वाले पेड़ पर लटकने वाला चमगादड़ यहाँ घूम रहा है, तो उनका मंदिर जाने से क्या फायदा। ए, लक्ष्मी नहीं बहू, कितना कैसी है, तुम्हारे साथ इज्जत से पेश आ रही है ना। हाँ हाँ, क्या कर रही है वो, ठीक नहीं है। खुद को क्या महारानी समझ रही है वो। अगर ऐसी बात थी तो मेरी माँ ने मुझे जैसे दिया था सोना, बहुत सारे गहने, वैसे बनाया होता और भी बहुत कुछ। तुम्हें इतना भी करके क्या मिला, क्या पाप किया था तूने, सब कुछ खोकर भी खड़ी हो। नरसिम्हा ने क्या छोड़ा है? खाली मुँह को पान मिला ना, इसलिए थूकना गलत है। ऐसी बातें सुनने के लिए अच्छा है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि तुम दोनों पहले जैसा कामाक्षी और गणेश के सामने हाथ जोड़ कर खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि कीर्तना जो है ना, पावर उसके हाथ में है अब। क्या मामा जी, आप हमें डरा रहे हो? इस घर में हमारे खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। लक्ष्मी, तुम्हारी बात कीर्तना को पता चल गई तो? क्यों सर काट देगी क्या, तुम हमें डरा रहे हो? मैं जब उसके घर गया, ओके किया, तब जाकर हमारे घर में बहू बनकर आई है वो। कुछ भी हो, घर की बहू मंत्री के जैसी ही होती है। लेकिन बड़ा दामाद तो पहले मंत्री जैसा है ना, मैंने सोच लिया तो सब बदल दूंगा। मैं जो कह रहा हूँ तुम उसे समझ रहे हो ना? मुझ पे गुस्सा करने से क्या फायदा है, मैं तो तुम दोनों की भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ। कौन, आप? हाँ दामाद जी। ए, रोकर बोलने वाले अपने आदमी होते हैं, हंसकर बोलने वाले दूसरे के, पता है तुम्हें? तुम तो मुझे गुस्सा दिलाने के लिए सब कर रहे हो ना, ऐसी जली कटी बातें सुनाने के लिए तुम आदि हो गए हो। किसके लिए कर रहा हूँ, तुम दोनों के लिए ही तो ये सब कर रहा हूँ मैं। इधर देखो, तुम बड़ी बड़ी बात करते रहते हो, लेकिन वो कीर्तना मिट्टी को पत्थर और पत्थर को पहाड़ बनाएगी। तो क्या मुझे पत्थर का कॉन्ट्रैक्ट लेना है? देखो, ये सब तुम्हारे भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ, पहले से होशियार रहने के लिए कह रहा हूँ। बगल के सिनेमा हॉल में एक एक्शन सिनेमा चल रहा है, मैं जाकर देख कर आता हूँ। लोग बहुत है, ऐसा बोल रहे हो? आप जाके उनके बीच में कहीं फंस मत जाना। सब कुछ मैं एडजस्ट कर लूंगा। मुझे पता होता कि तुम पान खाने वाले हो तो उसमें जहर मिला के रख देता। तुम्हारे पास दवाई है ना? हाँ। वो देकर देखो जरा। नहीं, फीवर ज्यादा होने से पहले डॉक्टर के पास चलना चाहिए। मैं नहीं जा पाऊंगा, पापा को लेकर जाऊँ ना गंगा? नहीं, इस घर का सारा काम पापा ही देख रहे हैं, और इस उम्र में मैं उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहती, चलिए ना प्लीज। तो सब मेरी गलती है? आपका सारा ध्यान एनजीओ में रहता है, पर इस घर के प्रति भी तो आपकी जिम्मेदारियां है ना। तो अब मेरी कमियां गिना रही हो? सच कहना गलत है क्या? मुझे लेट हो रहा है गंगा, ऑफिस में ऑडिटिंग है, मैं जा रहा हूँ। दुर्गा, ये क्या है?
मैं तुम्हारे घर आई हूँ और तुम्हारा पति है कि मुझसे बोला भी नहीं और चला गया। कुछ नहीं, बस उनका मूड ऑफ था, तुम बुरा मत मानना। ऐसा भी क्या मूड ऑफ है उसका, क्या हो गया? वो बच्ची को फीवर है इसलिए मैं कह रही थी हॉस्पिटल चले, ऑफिस में काम है बोलकर वो चले गए। क्यों, तुम्हारा बुढ़ा ससुर घर में नहीं है क्या? देखो दुर्गा, तुम ऐसे बात मत करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुमको नहीं पसंद है तो क्या हुआ, तुम्हारा बुढ़ा ससुर जवान तो नहीं हो जाएगा ना? और क्या, बच्ची को गोद लेने के लिए तुम्हारे ससुर ही तो कूद रहे थे ना? अब बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हारे हाथ में देकर भाग रहे हैं, देखा ना, वही मर्दों का दिमाग है। दुर्गा तुम ऐसी बातें क्यों करती हो, तुम यहाँ आती हो तो मैं डर ही जाती हूँ। किसको देखकर डर लग रहा है बेटी? दुर्गा आई है क्या? ओ आओ बेटा, घर में सब ठीक है ना? कॉफी पियोगे क्या? नहीं चाहिए, अभी पीकर आई हूँ। ये लो पकड़ो, माँ ने तुम्हें देने के लिए कहा था इसीलिए आई हूँ, वरना तो मैं बहुत बिजी हूँ। ये देखो, बोल रही हूँ गलत मत समझना, किसी और की बच्ची को तुम पाल कर जिंदगी भर परेशान मत होना, समझ में आया? घर में बड़े हैं ना, ये सब बताना चाहिए ना। गंगा, दुर्गा ऐसे बातें करके क्यों जा रही है, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं पापा, बच्ची को फीवर है तो हॉस्पिटल जाने के लिए बोला था उनसे, ऑफिस से लीव नहीं ले सकते बोलकर चले गए, और ये बातें दुर्गा को पता चली तो इसीलिए ये सब कह रही थी। बेटा मैं तो घर में ही हूँ, मुझसे कहती तो क्या मैं नहीं आता? नहीं पापा, आपको और तकलीफ नहीं देना चाहती इसीलिए मैंने आपको कुछ नहीं कहा। मैंने कभी ऐसा सोचा है क्या? ठीक है, डॉक्टर को फोन करके, नहीं हम सीधा वहीं चलते हैं। गंगा एक बात कह रहा हूँ तुमसे, जब से ये बच्ची हमारे घर में आई है, बाहर का आदमी कोई कुछ भी बोले उसे तुम्हें सुनना नहीं चाहिए, अच्छा हो या बुरा हो वो सब हमें देखना है, ठीक है ना बेटी? चलो जल्दी करो।